अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन, नेवर मिसिंग अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई मेक दिस स्वीट यमी एंड क्रंची पीनट चिकी, इसे हम गचक भी कहते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हाफ स्मॉल बाउल पानी लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून घी और ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, पीनट्स एंड रिक्वायर्ड जितनी भी आप चाहें ले सकते हैं। गुड़ लिया है मैंने 250 ग्राम्स, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में पीस लिया है अच्छे से। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, चलें बनाते हैं स्वीट एंड यम्मी चिकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पैन में गुड़ ऐड करें, बिस्मिल्लाह। अब इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल दें, हाफ स्मॉल बाउल पानी ऐड करके फ्लेम ऑन कर लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँ। अब इसे कुक करें जब तक ये डार्क नहीं हो जाती, और इसमें जो लंप है उसे स्पून की हेल्प से आप प्रेस करते जाएँ। अब पहली स्टेज में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपने चम्मच हिलाते जाने और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाने। अब यहाँ आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब यह आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। सेकंड स्टेज में यू कैन सी दैट अब ये ब्राउन हो चुकी है, इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। इट्स डन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार सी गचक तैयार है। अब इसे आप किसी स्टील के बर्तन में पोर कर दें, बिस्मिल्लाह। स्पून की हेल्प से इसे ऊपर से स्ट्रेट कर दें। अब हमने लिए हैं जी पीनट्स, इन पीनट्स को आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अब स्पून की हेल्प से इसे ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करें ताकि पीनट्स इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाएं। अब मैंने जी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने हार्ट शेप, फ्लावर और स्टार वाली शेप वाले मोल्ड को इसके अंदर फिट कर दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये शेप्स निकलेंगी क्योंकि ये ठंडी होने के बाद बहुत हार्ड हो जाती है। और फिर वही हुआ जिसका डर था, ये नहीं निकल रहे थे क्योंकि ये बहुत हार्ड हो गई थी। ये दिल बहुत सख्त थे, ये नहीं निकले, और ये दिल नरम था, ये निकल आया। खैर छड्डो परेशानी की। माशाल्लाह ज़बरदस्ती चिकी तैयार है खाने के लिए, सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह खैर। ये जितनी देखने में मज़ेदार है, खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है। अब मैं खाकर बताती हूँ कि ये कैसे बनी है। इट्स जस्ट लाइक अ कैंडी, ये बहुत क्रंची, बहुत ही मज़े की बनी है। आप सब इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बच्चे बहुत पसंद करेंगे, और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। यहाँ पर एक फ्लावर वाली शेप निकली है, मैंने गौर नहीं किया, लेकिन बाकी भी ठीक है। दिल विल टूट गए हैं, बट चलें अब क्या कर सकते हैं। आप नाइफ की हेल्प से अपने फेवरेट शेप भी कटिंग कर सकते हैं, बट तब जब ये हल्की सी गर्म हो। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। तो इस चिकी वाली रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, नेवर मिसिंग अपडेट।